और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश के टायर टू टायर थ्री सिटीज में भी पहुंच चुका है, हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है, भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू 6-7 हजार करोड़ से ज्यादा होती है। ये इस देश के नौजवानों ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी, कोई पूछता नहीं था। आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी गर्व होगा, पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो गई। इतना ही नहीं, बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्रोफेशनल कॉलेजेस हो, उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। देश में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथर सिंह ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथर सिंह ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन? एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में